नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इंडियन टेस्ट में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने फिर एक नई रेसिपी के साथ पेश हो गया। दोस्तों आज मैं बच्चों की फेवरेट रेसिपी चाउमीन की रेसिपी लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों चलिए हम और आज बच्चों की स्पेशल चाउमीन की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया। कढ़ाई में एक लगभग एक लीटर के पानी डाल देंगे और जब ये गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लोग एक स्वाद के अकॉर्डिंग मतलब आधा चम्मच हम लोग नमक डाल देंगे और एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसे हम लोग और गर्म होने देंगे और जब ये गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग इसमें चाव की दो पैकेट हम लोग इसमें डाल देंगे। अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। और इसे डालने के बाद में इसे हम लोग इस प्रकार से हल्का हल्का पुश करते हुए इसे हम लोग पानी में डिप कर देंगे और इसे हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे 100% नहीं पकाना है, लगभग 70% ही पकाना है इसमें। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, थोड़ी देर में देखिए, एक से दो मिनट में ये देखिएगा ये 70% लगभग पक चुका है। अब चलिए गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे जल्दी से और इसे हम लोग ठंडे पानी से इसे वाश कर लेंगे, क्योंकि इसे ठंडे पानी से वाश नहीं करें तो ये ओवर कुक हो जाएगा। ये चलिए दोस्तों, ठंडे पानी से वाश करके मैंने इसके पानी को सारे निकाल दिया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग एक चम्मच फिर से रिफाइन ऑयल लेकर के इसके ऊपर हम डाल देंगे और इसे अच्छी प्रकार से मिक्स कर लेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपस में चिपके नहीं, ठीक है। और इसे ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे हम लोग रख देंगे। चलिए दोस्तों, तब पहले हम दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर से हम लोग देख सकते हैं उसी कढ़ाई को मैंने साफ करके चढ़ा दिया है। अब इसमें हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर हाई फ्लेम में हम लोग 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन हम लोग डाल देंगे। ध्यान रखिए सारा हम लोग प्रोसेस हम लोग हाई फ्लेम में ही करेंगे, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है, इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। जब ये रोस्ट हो जाएगा फिर अपने स्वाद के अकॉर्डिंग हम लोग हरी मिर्च ले लेंगे। मैंने 4 लिया है, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसे जब ये भी रोस्ट हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग 1 बड़ा सा प्याज इस प्रकार से चॉपिंग करके इसे हम लोग डाल देंगे और इसे लगभग 25 से 30 सेकेंड इसे हम लोग रोस्ट कर लेंगे। इसे सॉफ्ट नहीं करना है, इससे हल्का क्रंची रहने देना है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा पत्ता गोभी उसे भी इस प्रकार से काट करके हम लोग डाल देंगे और इसे लगभग 30 से 35 सेकंड तक इसे भी रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर 1 गाजर लगभग इस प्रकार से छोटे छोटे लंबे लंबे स्लाइस से काट कर डाल देंगे और इसे भी हम लोग 30 से 35 सेकंड तक लिए रोस्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर जब ये भी रोस्ट हो जाएगा उसके बाद हमने लाल वाली शिमला मिर्च ले लिया है 1 और 1 हरी वाली शिमला मिर्च ले लिया है और इसे भी हम लोग लगभग 30 से 35 सेकंड तक लिए हाई फ्लेम में इसे हम लोग रोस्ट कर लेंगे। सारा प्रोसेस हाई फ्लेम में ही करना है और उसके बाद फिर हम लोग इसमें लगभग 1/4 चम्मच हम लोग काली मिर्च कुटी हुई डाल देंगे इसमें हम लोग। और उसके बाद फिर हम लोग 2 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 1 चम्मच हम लोग इसमें टोमेटो सॉस, उसके बाद फिर हम लोग 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे और इसे बिल्कुल हाई फ्लेम में हम लोग 1 मिनट तक लिए रोस्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेजिटेबल को उतना ही रोस्ट करना है जिससे इसका क्रंचीपन समाप्त ना हो। उसके बाद फिर जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक का ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग उबालते वक्त भी नमक डाले हैं और सॉस में भी नमक होता है। उसके बाद फिर हम लोग जो चाव को हम लोग पंखे के नीचे रखे थे उसे फिर हम लोग इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे प्रकार से हाई फ्लेम में हम लोग इस प्रकार से उलट पलट करते हुए इसे हम लोग रोस्ट कर लेंगे। लगभग 1 मिनट रोस्ट करने के बाद में उसके बाद फिर हम लोग इसमें 1/2 चम्मच अजीनोमोटो अगर आपके पास है तो आप इसे डालिए, इससे स्वाद इसका इन्हेंस हो जाता है। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, पर इससे इसका स्वाद इन्हेंस हो जाता है। इसे डालने के बाद में फिर हमें इस प्रकार से उलट पलट करते हुए हम लोग लगभग 1/2 मिनट तक लगभग इसे रोस्ट करेंगे और आप देखिए कि आपकी बिल्कुल वेज चाउमीन बिल्कुल बच्चों के लिए तैयार हो गई है दोस्तों। ये मेरी पहली रेसिपी दोस्तों। एक बच्चे ने मुझे कहा था कि अंकल आप बच्चों के लिए कोई रेसिपी नहीं बनाते हैं, तो मैं आज बच्चों के लिए बिल्कुल स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ, चाउमीन की रेसिपी दोस्तों। चलिए दोस्तों ये सर्व कर देते हैं अब इसे। तो दोस्तों आपको हमारी वेज चाउमीन की रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे आप भी ट्राई कीजिएगा। अब तक आपने हमारे सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।